अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शादियों वाले देगी कोरमा की रेसिपी। जब आप इसे बनाएंगे तो ये इतना ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने बनाया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए मुझे चाहिए 500 ग्राम चिकन। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ की फाइनली चॉप्ड प्याज, ये तकरीबन 1 कप है, और 1 कप प्याज़ों में जाएगी 1/2 कप दही, और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और कुछ ड्राई फ्रूट्स, 4 बादाम, 4 काजू, 1 गोले का टुकड़ा, 1 छोटी चम्मच चिरौंजी, इनका मुझे पेस्ट बना लेना है। और ये गरम मसाले फ्राई करने के लिए 5 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 6-7 काली मिर्चें, और ये कुछ और गरम मसाले, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 5-6 काली मिर्चें, 1 छोटी चम्मच जीरा, इनका मैंने पाउडर बना लिया है, और ये सूखे मसाले, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। शादियों वाले कोरमे में तेल अच्छा खासा जाता है, इसलिए मैंने इसमें 2.5 बड़े चमचे रिफाइंड ऑयल लिया है। और जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे हम अपनी प्याज़ों को। ये प्याज मेरी देखिए 2 मुट्ठी हैं। अब इन प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक मुझे फ्राई करना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी। खड़े मसालों का मैंने 2 जगह यूज़ किया है, 1 जगह पाउडर बना लिया था, और इनका यूज़ मैंने फ्राई करने के लिए किया है। हरी इलायची का रोल कोरमे में बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने 1/2 किलो कोरमे में 5 हरी इलायचियाँ ली हैं। और जब ये चटकने लगे तो इसमें हम डाल देंगे गोश्त, और साथ ही जाएगा इसके अंदर नमक। नमक डालने से इसका मॉइस्चर रिलीज हो जाएगा और जो इसकी स्मेल है वो भी कम हो जाएगी। इसका मॉइस्चर रिलीज हो जाए तो इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है, और इसके साथ इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें मैं सभी सूखे मसालों को शामिल कर दूंगी। मैंने इस कोरमे में हल्दी का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि शादियों वाले देगी कोरमे में भी हल्दी का यूज़ नहीं होता है। जब ये थोड़ा सा भुन जाए तो हम इसको स्लो फ्लेम पर 10 मिनट और ढक के भून लेंगे। जब तक ये भुन रहा है तब तक मैं इन प्याजों को क्रश कर लूँगी। मैं यहाँ पर इन प्याजों को क्रश करके डालूँगी। बहुत से लोग इसका पेस्ट बनाकर भी डालते हैं, तो इसको रॉ क्रश करके डालने से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए कितने अच्छे से भुन गया है। तो ऐसा ही आपको भूनना है। और जब ये भुन जाए तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे क्रश की हुई प्याजों को, और साथ में ही इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप दही। प्याज और दही को एक साथ ही डाल दें और फिर इसको साथ में ही मिक्स कर लें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब प्याज और दही इसमें मिक्स हो जाए तो इसके साथ ही हम इसमें ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट डाल देंगे, और ड्राई फ्रूट के पेस्ट के साथ भी इसको मिला लेना है। इसे 10 मिनट भुनाव आने तक भूनेंगे। 10 मिनट बाद ये देखिए मसाला कितने अच्छे से भुन गया है। अब इस भुनाव पे इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। ये मैंने वही दही वाला कप लिया है, तो उसको खंगाल के मैंने इसमें मिला दिया है। यहाँ पानी थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें मैं 1/2 कप पानी और डालूंगी। इसको हम 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर ढक कर पकाएंगे। बीस मिनट बाद देखिए कितना लाजवाब रोगन वाला कोरमा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए इसकी रनी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी तैयार हुई है। और बोटियां भी काफी अच्छी तरह गल गई हैं।
तो बस ऐसा ही कोरमा हमें चाहिए था। जब ये लास्ट में तैयार हो जाए तो इसमें हमने जो मसाले पीसे थे उनका पाउडर मिला देना है। याद रहे ये सिर्फ दो चुटकी मिलाना है, अगर ज़्यादा मिला दोगे तो इसका कलर काला पड़ जाएगा। फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।